हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे शैंग्ची 2 से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे शैंग्ची 2 का टाइटल क्या हो सकता है, और इसके साथ कास्ट के अपडेट के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने अभी हाल ही में क्या स्टेटमेंट दिया सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बाद। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं शैंग्ची 2 के टाइटल के बारे में और कब तक ये मूवी रिलीज हो सकती है। तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में अभी तक कोई अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है ऑफिशियली, फिर भी डिज्नी ने इसके ऑफिशियली अपकमिंग मार्वल मूवीज के ट्रेडमार्क कंप्लीट कर लिए थे, खरीद लिए थे और उनको रजिस्टर करा दी थी यूके में। तो फाइनली टाइटल जो रिवील्ड हुआ है उसका नाम है शैंग्ची एंड द ब्रेकेज ऑफ टाइम। तो आप टाइटल से समझ गए होंगे कि भाई कोई टाइम और स्पेस की स्टोरी होने वाली है। और अगर इस नाम को थोड़ा और रिसर्च करा जाए तो कॉमिक बुक में भी हमें ये जो नाम है ब्रेकेज ऑफ टाइम, ये स्पेस एडवेंचर कराती है और टाइम की रियलिटी को बताती है। तो शैंग्ची जो 2 होने वाली है वो ऑफिशियली कंफर्म करती है कि आने वाली ये मूवी आपको स्पेस में लेके जाने वाली है और टाइम पीरियड को दिखाने वाली है। और आप सब जानते हो कि ये साल जो है मल्टीवर्स का है, और आने वाली फेस मूवी 5 और 6 भी मल्टीवर्स के ऊपर है, और ये मूवी सीक्रेट वॉर से पहले रिलीज होगी ये कंफर्म हो चुका है। अब बात करते हैं कि इसकी कास्टिंग अपडेट के बारे में। तो सैमुअल ल्यू जो कि इसका कैरेक्टर प्ले करते हैं, उन्होंने अभी हाल ही में सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बाद ये कंफर्म कर दिया कि वो आने वाले 2 साल तक तो बहुत ज्यादा बिजी है, यानी कि साल 2023 और 24 में। बिकॉज क्यों? क्योंकि सीक्रेट वॉर से पहले ये मूवी रिलीज करनी है, तो उनका शैंग्ची 2 तो पहले आएगी मूवी, फिर उसके बाद कैंग डायनेस्टी आएगी, और कैंग डायनेस्टी के भी डायरेक्टर वही हैं जो कि हमारी शैंग्ची 2 को डायरेक्ट करने वाले हैं और कैंग डायनेस्टी को भी डायरेक्ट करने वाले हैं। तो पहले शैंग्ची 2, फिर कैंग डायनेस्टी, फिर उसके बाद कौन सी मूवी आएगी ये कंफर्म नहीं है, बीच की मिट की, फिर उसके बाद सीक्रेट वॉर। तो दोनों मूवी में इनका इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, और बताया जा रहा है कि सीक्रेट वॉर में मिस मार्वल का और शैंग्ची का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और अमेरिका चेविस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि वो मल्टीवर्स कैरेक्टर है, और शैंग्ची की जो रिंग्स हैं वो किसी को मैसेज भी भेज रही हैं। तो आने वाले टाइम में इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। बाकी आपको शैंग्ची का ये टाइटल सुन के कैसा लगा, क्या ये ट्रू है या फेक है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।